जिनको पॉपुलरली सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता है, उसी दिन से, उसी टाइम से जब हमारी स्पेशल सेल की टीम्स को इस घटना का पता चला, तो बिना कोई टाइम गवाए हुए हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम करना शुरू करा। हमारी सारी रेंजेस की टीम्स, नॉर्दर्न रेंज, न्यू दिल्ली रेंज, सदर्न रेंज, साउथ वेस्टर्न रेंज, सीआई रेंज, सब ने इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव काम किया। बहुत सारी जेल्स पे, बहुत सारे इंटरस्टेट बाउंड्रीज पे, और बहुत ही इनके जो सिंडिकेट के नॉन मेंबर्स थे, काफ़ी जो इनके मेन सरगना थे, उनको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने, जैसे कि आपको पता है, पहले अरेस्ट किया हुआ है। और पंजाब में भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ख़ास तौर पे उनके जो दोनों नोटेबल बड़े केसेस हैं लास्ट दो साल के, विक्की मिडूखेड़ा की किलिंग, उसके भी जो दोनों मेन शूटर से उसको स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया। दूसरा जो संदीप नंगल अंबिया का केस था, उसमें भी जो मेन शूटर था उसको स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया। काफ़ी स्पेशल सेल के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग टास्क था शूटर्स को आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना बिना वारदात के मौके पर जाए हुए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये घटना पंजाब के एरिया में घटी, तो हमारी कोई भी टीम क्योंकि सीन ऑफ क्राइम एक अलग जगह पे था, और लोकल एरिया पे हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जो कि किसी भी तरीके से ऐसा हो कि हम किसी के भी इन्वेस्टिगेशन में बाधा बने। बट उसके बावजूद हमारा ये, हमारी टीम्स का मकसद था कि हम जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको हम जस्टिस तक लेके आएं। तो हमारी कुछ टीम तो ऐसी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 18-19 दिन से जो लगातार बाहर इसमें कैंप कर रही थी, और 6 शूटर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो 6 के 6 जो अभी हैं उनकी इस जो आइडेंटिटीज़ हैं एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको एस्टेब्लिश कर पाए हैं। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे, दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था, अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था, ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो करोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है, और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी, उनके 2 फ्रेंड्स थे, तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिन, कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है, तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी, तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई, और करोला से फिर ये दोनों उतरे, और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये 4 जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ही उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। वारदात के बाद
जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए, जो ये बाकी चार लोग थे ये बलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया, थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया, वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। तो हमारी टीम्स तो काफ़ी देर से इस पे आपको जैसे बताया राइट फ्रॉम उसी टाइम से काम कर रही थी। तो 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी तो पंजाब के गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी देते हुए, और जिस तरह से पूरा प्लान तैयार किया गया था, गोल्डी बराड से जुड़े थे ये आरोपी, इस बात की इंफॉर्मेशन पुलिस को लगी। प्रियव्रत फौजी हमलावरों का हेड था और संदीप केकड़ा से मिला था सुराग, इसी को ट्रैक करते हुए पुलिस वहां तक पहुंची। एक गाड़ी में चार शार्प शूटर सवार थे जिन्होंने टारगेट किया सिद्धू मूसेवाला को। सभी छह शूटर्स ने फायरिंग की, यानी छह शूटर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई थी मूसेवाला के मर्डर की। शिकंजे में मूसेवाला के शूटर, दो शार्प शूटर्स की गिरफ्तारी की गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रोपवे ट्रॉली में 700 मीटर की ऊंचाई पर फंसे 9 सैलानी का हुआ रेस्क्यू, अभी भी दो लोगों का रेस्क्यू बाकी। महाराष्ट्र के सांगली में घर से मिली 9 लोगों की लाश, एक ही परिवार के हैं सभी, पुलिस को आत्महत्या का शक। और जब उन्होंने नारे लगाती भीड़ को देखा तो वहां से वो भाग खड़े हुए, जबकि प्रदर्शन कर रहे लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और वहां बेंचों पर चढ़कर पंखों को तोड़ने में जुट गए। कुछ लोगों ने वहां लगी बेंचों को उलट दिया और फिर उन्हें घसीटकर पटरियों पर डाल दिया। इसी तरह विरोध जता रही भीड़ पूरे प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़ करती रही, जबकि वहां मौजूद पुलिस के जवान चुपचाप सारा बवाल देखते रहे। उधर समस्तीपुर में भी प्रदर्शनकारियों का भारी बवाल देखने को मिला। वहां योजना का विरोध कर रहे उपद्रवियों ने 2 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। और समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में जम्मू गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। वहां भी दानापुर की ही तरह ट्रेन की एसी बोगियों को ही निशाना बनाया गया। आग लगने के बाद बोगियों